नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पिंटू एंड आप देख रहे हो पिंटू टेक। सो गाइस, आज की वीडियो हम सीखेंगे रियलमी C35 में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना। यहाँ पर मैंने अपने फ़ोन में लगा रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर रियल लग रहा है बिल्कुल, आप देख पा रहे हो और ओपन भी हो रहा है, यानी कि आप एकदम अच्छी वाली फील ले सकते हो और सामने वाले बंदे को बेवकूफ़ भी बना सकते हो कि यार रियलमी C35 में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक वो कैसे, हमारे फ़ोन में तो नहीं है। सो गाइस, आपको सीखना है डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना, तो इस वीडियो को पूरा वॉच। गाइस, सबसे पहले आपको अपने फोन सेटिंग में जाना है, तो यहाँ पर मैं अपने फोन सेटिंग में चले जाता हूँ। ठीक है, फोन सेटिंग में जाने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन देखने को मिलता है पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको अपने फेस लॉक को इनेबल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना फेस लॉक को इनेबल कर लेना है। बस इतना सा करने के बाद गाइस आपको यहाँ से बैक हो जाना है। ठीक है, बैक होने के बाद गाइस आपको यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर एक सर्च में एक थीम सर्च करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक थीम सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सर्च बार में डालना है आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक स्क्रीन। ठीक है, इतना डालने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ढेर सारी इमेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको इस वाली इमेज को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक, डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस पर लॉन्ग प्रेस करके रखना है। ठीक है, लॉन्ग प्रेस करोगे आपके सामने कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इमेज आपकी डाउनलोड हो जाएगी। मैंने इसे ऑलरेडी पहले ही डाउनलोड कर रखा है। इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। गाइस, बैक होने के बाद आपको यहाँ पर अपने गैलरी में जाना है। ठीक है, जो आप यहाँ पर आपके फ़ोटो सेव हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने गैलरी में चला जाता हूँ, फ़ोटो में। ठीक है, फ़ोटो में जाने के बाद आपको इस फ़ोटो को देख लेना जो अभी आपने डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर मेरी गैलरी ओपन हो चुकी है और यहाँ पर मैं एल्बम में जाऊँगा अपने में, और यहाँ पर मैंने भी इमेज को डाउनलोड किया है, यहाँ पर ये इमेज आ चुकी है। ठीक है, तो इसे आपको अपने होम स्क्रीन पर सेट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको होम स्क्रीन पर सेट करने के लिए यहाँ पर आपको मोर पर क्लिक करना है, सेट अस वॉलपेपर पर क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर गेट अस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सेट अस लॉक स्क्रीन वॉलपेपर। ठीक है, यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना है। तो गाइस आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने अभी फेस लॉक लगवाया था, वो फेस लॉक क्या काम करेगा अभी आप देखना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने स्क्रीन को लॉक करता हूँ। जैसे लॉक किया मैंने, यहाँ पर ओपन करता हूँ, तो ओपन करने के बाद यहाँ पर ये फेस लॉक मांग रहा है एंड नीचे आपको देख पा रहे होगा डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक भी आ चुका है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर अपना फेस दिखाओगे यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपका लॉक ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप जैसे ही आप अपना थंब यूज करोगे यानी फिंगर को यूज करोगे, जैसे यहाँ पर लॉक जो है ओपन हो जाएगा और सामने वाला बंदा देख रहा होगा तो वो तो चौंक ही जाएगा, भाई यार ऐसे कैसे हो सकता है, रियलमी C35 में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे आ सकता है, हमारे फोन में तो नहीं है। सो गाइस, इसी प्रकार से आप सामने वाले बंदे को बेवकूफ बना सकते हो और गाइस आप डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक का आनंद ले सकते हो इस प्रकार से। सो गाइस, आप अपने फोन में इस ट्रिक का यूज कर सकते हो और उम्मीद करता हूं आपको ये ट्रिक काफी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो यार, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।